पंजाब के फाजिलपुर, नाम था लखविंदर सिंह। क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों से इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उन्हीं के घर 8 सितंबर 1999 को एक बेटे का जन्म हुआ। सोच लिया कि जो वो नहीं कर सके उनका बेटा करेगा, यानी क्रिकेटर बनाने की ठान ली। बहुत कोशिशें की और नाम रख दिया शुभमन गिल। शुभमन गिल वही जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेली थी 102 रन की नाबाद पारी। इस पारी के बाद राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और सौरभ गांगुली जैसे दिग्गजों ने की थी तारीफ। नमस्कार, मैं हूं तरुण वस और आप देख रहे हैं navbharattimes.com। शुभमन गिल पर जो आज हम बताएंगे वो शायद ही आपने कभी सुना समझा जाना होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार जी। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार। शुभमन गिल सर, ऐसा नहीं है कि कल एक आईपीएल मैच में खेले और आज नाम हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2 साल पहले वो पारी शायद आपको जरूर है, शायद नहीं जरूर याद होगी, जब 102 रन की नाबाद पारी उन्होंने खेली थी और थे कि कोई शुभमन गिल एक नया सितारा बनकर आज वर्ल्ड कप टीम इंडिया में आने को तैयार बैठा है। देखिए, ये बहुत पहले से अपनी एक पहचान बना रहे हैं, अपना एक नाम बना रहे हैं और जहां तक मुझे याद है 2013-14 और 14-15 दो सीजन में लगातार उनको बेस्ट जूनियर क्रिकेटर का अवार्ड बीसीसीआई की ओर से मिला था। बीसीसीआई हर साल अपना सालाना अवार्ड देता है और उसमें एक जूनियर क्रिकेटर को भी चुना जाता है। उसमें 2 साल लगातार इनको अवार्ड मिला है और आपने उस पारी की याद दिलाई, वो पारी तो है ही है। और इसके अलावे भी मुझे याद है अंडर 19 क्रिकेट में उन्होंने बहुत सारी अच्छी पारियां खेली हैं। एक बार इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 क्रिकेट में उन्होंने करीब 350 रन बनाए थे, यूथ ओडीआई कराया गया था, वो सीरीज हुई थी। तो उसमें इन्होंने जो सीरीज थी मैन ऑफ द सीरीज हासिल किया था। इनकी खासियत और आप देखिए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके जो एवरेज को हम देखें तो अराउंड 74, तो 74 के एवरेज के साथ आप 21-22 मैच खेल चुके हैं और आपके नाम डबल सेंचुरी है, कई सेंचुरीज हैं, जिस भी लेवल पर इनको मौका मिला है इंप्रेस करते रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर के उनके तो फैन है ही हैं, उनकी तारीफ की है उन्होंने। सचिन तेंदुलकर की जो बेटी है सारा, उनके भी फेवरेट क्रिकेटर हैं, तो आए दिन वो वहाँ इंस्टाग्राम पर उनके बारे में, उनके खेल, उनके उस पर पोस्ट करती रहती हैं। इससे ये कुछ अफवाहें भी उड़ती हैं कि वो कुछ अफेयर है। अब अंदरूनी क्या है हमें नहीं पता, बट उनकी भी फेवरेट है और आप समझा जा सकता है कि जब एक क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी, उनके पापा ही अपने बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, अब तक के महानतम क्रिकेटर्स में से एक रहे हैं, तो वो अगर किसी को पसंद कर रही हैं तो ये समझा जा सकता है कि ये युवाओं के बीच भी इनकी अपनी पहचान बन रही है, क्रेज बन रहा है और जो स्टार्स हैं, जो स्टॉलवर्ड्स हैं इस खेल के, वो भी इनकी तारीफ कर रहे हैं और उसकी एक झलक उनकी फिर से एक बार हमने कल की बैटिंग में देखने को मिली। हालांकि स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर चेज नहीं करना था, तो 60-62 गेंद को ही उन्होंने खेले और 70 नॉट आउट बनाया और मैन ऑफ द मैच उनको मिला। तो ये उनके टैलेंट को बताता है कि वो किस तरह के टैलेंटेड खिलाड़ी है। और दुर्भाग्य ये है, आप कह सकते हैं कि फिर उनको इंडियन टीम में ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं, क्या किस तरह से देखा जाए। ये दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि वो ओपनर हैं और इंडियन टीम में उनसे पहले, उनसे सीनियर इतने सारे ओपनर हैं और सब अच्छा कर रहे हैं, तो 21 साल के ही हैं, इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे इन्हें मौका जरूर मिलेगा, वो वनडे खेल चुके हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था और आगे हम उम्मीद करेंगे कि इनको और मौके मिले। तो आपने बात की शुभमन गिल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने खेले हैं 21 मैच, 2133 रन बनाए हैं, 268 हाई स्कोर है और स्ट्राइक रेट
73 से ज्यादा का है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना जबरदस्त खेल रहे हैं। आईपीएल में उन्होंने 2018 में शुरुआत की, 13 मैच खेले थे तब और एक शतक लगाया था, तब ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके थे। पिछले साल उन्होंने 14 मैच खेले और 3 अर्धशतक जड़े, स्ट्राइक रेट रहा 124 से ज्यादा का। तो करियर में, आईपीएल करियर में भी उन्होंने 29 मैच अब तक खेल लिए हैं, 5 अर्धशतक उनके नाम है। आने वाले वक्त में टीम इंडिया, जैसा कि आपने बोला कि अभी उनसे सीनियर हैं, थोड़ा इंतजार इनको करना होगा। टीम इंडिया में आपको क्या लगता है कि कब तक, या ये कहें कि जब कोई ओपनर रिटायर होगा तभी इनकी जगह बन पाएगी, या हो सकता है कि बीच में इनको कभी कोई मौका मिले और इनको नंबर 3, 4, 5 पर किसी ना किसी नंबर पर उतारा जाए? ये संभव है, क्योंकि एज एन ओपनर तो वो खेलते रहे हैं और भारतीय क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट में वो नीचे के बैट्समैन रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में रहे हैं या लोअर ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग करते रहे हैं, लेकिन बाद में वो ओपनर बन गए। और सबसे बड़ा उदाहरण तो सहवाग का है, वीरेंद्र सहवाग जब आए थे तो वो 6th-7th नंबर पे बैटिंग करते थे, बाद में वो ओपन किया उन्होंने, ना केवल वनडे और T20 में बल्कि टेस्ट मैच में भी वो ओपन करने लगे और कमाल का उन्होंने खेल दिखाया पूरे करियर में। तो ये पॉसिबल है कि अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है इनको एज एन ओपनर ना खिलाया जाए, नीचे उतारा जाए। बट ओपनिंग स्लॉट में अगर आप देखें तो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, हर जगह कोई ना कोई बैट्समैन वहाँ फिक्स है, एक नहीं कई फिक्स है जो कि इंडिया के लिए खेल चुके हैं और उन पर भरोसा किया जाता है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे आप देखें शिखर धवन को भी बहुत देर से मौका मिला था, एक समय ऐसा भी आया था कि वो खेल छोड़ने को सोच रहे थे, लेकिन फिर उनको जब मौका मिला तो फिर इतने बड़े खिलाड़ी बन गए और बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की अपने लिए भी, देश के लिए भी। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि रिटायरमेंट की बात नहीं है, फॉर्म की भी बात है, अनफिट कोई खिलाड़ी हुआ उसकी भी बात है, इन सब चीजों को देखा जाएगा और साथ साथ इन्हें भी कंसिस्टेंटली अच्छा खेलना होगा। इनके सामने मयंक अग्रवाल का भी उदाहरण है, मयंक अग्रवाल को भी 21-22 साल की उम्र में मौका नहीं मिला था, 3-4 साल उन्होंने 5 साल लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में स्कोर किया था, तब उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया, जब मौका मिला एक जगह बनी तो उनको तुरंत बुलाया गया, फिर वो इंडियन टीम में स्थापित हो गए। जी, शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए 2 वनडे मैच खेले हैं, ज्यादा प्रभावित तो नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद सुनील गावस्कर जो दिग्गज बल्लेबाज माने जाते हैं उन्होंने इनकी तारीफ की थी। अभी हाल ही में जब कल का मैच हुआ तो तब भी सुनील गावस्कर ने इन्हें टीम इंडिया का अगला स्टार बताया, भारत का अगला स्टार, और जीत के नायक शुभमन गिल ही रहे, मैन ऑफ द मैच मिला। आपको क्या लगता है सर कि शुभमन गिल क्या सचमुच में आने वाले भारत के अगले स्टार हैं? बिल्कुल है। देखिए, अब कल ही उन्होंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट के जाने माने जो गेंदबाज हैं उनका सामना जिस तरह से किया, अपने ही देश के भुवनेश्वर कुमार जो कि स्विंग गेंदबाजी के लिए में माहिर हैं और उसके लिए जाने जाते हैं, उनको खेला उन्होंने, राशिद खान बहुत अच्छे स्पिनर हैं, ये सारे उनके अगेंस्ट में जब बॉलर्स आए और जिस तरह से उन्होंने खेला है, और उनमें हमने रिकॉर्ड बताते हैं उनके, हम देख ही रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड कितना अच्छा है, और दिग्गज यूं ही किसी के बारे में नहीं कहते। अगर सुनील गावस्कर कह रहे हैं तो खुद भी वो महान ओपनर रहे हैं, और मेरी नज़र में तो भारतीय क्रिकेट के कहे तो वो सबसे बड़े ओपनर रहे हैं, और उनसे ज़्यादा उपलब्धियां और भी ओपनर्स के नाम हैं, बट मैं उनको टॉप मानता हूं, क्योंकि जिस दौर में वो खेले हैं वो अलग बहस का मुद्दा है। अगर वो कह रहे हैं इतने साल के एक्सपीरियंस, इतने खिलाड़ियों को देखने के बाद, तो इस बात का कोई मतलब तो जरूर है। ये तो हुए शुभमन गिल। एक कल के मैच में सनराइजर हैदराबाद के नंबर 3 पर उतरने वाले बल्लेबाज मनीष पांडे ने भी काफी प्रभावित किया, 38 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए, अपनी टीम के लिए हाई स्कोरर रहे। 142 रन हालांकि थोड़े कम रह गए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत दर्ज की, लेकिन मनीष पांडे काफी प्रभावित कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मनीष पांडे के बारे में? अब तक हालांकि भारत के लिए भी खेल चुके हैं काफी मैच, 26 वनडे खेले हैं, 38 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, तो क्या मनीष पांडे IPL के लिए तैयार हैं या फिर टीम इंडिया के लिए भी अब आने वाले वक्त में वो अपना जलवा बरकरार रखेंगे? देखिए, मनीष पांडे अब मुझे लग रहा है कि शुरू से ही खेल रहे हैं IPL,
अराउंड 31-32 साल उनकी उम्र भी हो गई है, तो ये नए नहीं है और इनको मौके मिले हैं। ये अलग बात है कि इनको लगातार मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जब भी मिला है उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि वो अभी क्या है, जो जितने भी ये प्लेयर्स हैं भारत के, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्लेयर हैं भारतीय टीम के, और कुछ फ्रिंज प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे प्लेयर जो जो सेलेक्टर्स हैं उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, कहा जाता है कि नॉकिंग एट द डोर ऑफ सेलेक्टर्स, तो वैसे प्लेयर्स भी हैं तो उनमें ये जरूर शामिल है। इस आईपीएल के बाद ये तय हो सकता है कि इनमें से कौन सा एक पूल बनाने की बात चल रही है कि कौन से प्लेयर्स हैं 22-24-25 प्लेयर्स जिनको सिलेक्ट किया जाए, और फिर वर्ल्ड कप के लिए फाइनली जब 15 खिलाड़ी अगले साल T20 वर्ल्ड कप के लिए चुने जाएंगे तो उन्हीं में से चुने जाएंगे। मुझे लगता है कि मनीष पांडे तो वहां रहेंगे ही, क्योंकि पहले खेल चुके हैं, उनके पास अनुभव भी है, और लगातार उसके लिए अगर वो अच्छा खेलते हैं तो वो उस पूल में तो कम से कम जरूर शामिल होंगे। तो ये तो हुई शुभमन गिल के बारे में बातें, बहुत कुछ जाना। और आज का मैच जो है वो किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच है। आप navbharattimes.com पर इस मैच के लाइव अपडेट्स, लाइव स्कोर कार्ड और लाइव कमेंट्री देख और पढ़ सकते हैं। आप जरूर जुड़िए और बाकी इसी तरह की वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए navbharattimes.com। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।